ठीक है, मुस्लिम वोटर्स की आपने बात सुनी, अब यहाँ की महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, मेरे सहयोगी अशोक तिवारी ने उनसे भी बात की, सुनिए। स्मृति ईरानी के नामांकन से पहले रोड शो में तमाम सारी महिलाएं भी शामिल हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रेखा मिश्रा है। मिश्रा जी, मुझे बताइए कि इस बार अमेठी में क्या मुद्दे हैं चुनाव के? इसमें मुद्दे तो सब क्लियर हैं भाई, अपना सुशासन है, अच्छी सरकार है, जो जो हमारी चाहत थी, जो जनता की चाहत थी, जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं दीदी, उन सबको पूरा कर रही हैं। तो अभी तो कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि जैसे दीदी आ रही हैं, यहाँ रह रही हैं और हम लोगों का सबका ध्यान दे रही हैं, ऐसा हमेशा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता सिंह है। गीता जी, मुझे बताइए कि क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार अमेठी में? कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं है, देखिए हमारी दीदी के सामने विपक्ष है ही नहीं, हाँ। हाँ, कोई भी लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है, और हमारी मोदी सरकार जो है हम महिलाओं का बहुत ही ध्यान दे रही है, आवास हो, बिजली योजना हो, हर घर नल योजना हो, तरह तरह की योजनाएं हम महिलाओं के नाम पे ही आ रही है। यही ऐसी सरकार है जो हम महिलाओं को ध्यान दे रही है। आप देखिए 33% आरक्षण भी हम महिलाओं को मिल गया, जिससे हम लोग जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हर जगह जाके अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो राम मंदिर बन गया, अभी तक हमारे भगवान जो है टेंट में रहते थे, लेकिन माननीय मोदी जी की वजह से हमारे भगवान आज उनका अपना घर है, अपना मंदिर है, और हमें क्या चाहिए, चारों तरफ विकास की गंगा ही तो बह रही है। क्या नाम है आपका जी? पूनम पांडे। मुझे बताइए पूनम जी कि राहुल गांधी के फिर से यहाँ से चुनाव लड़ने की खूब चर्चा हो रही है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ से विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह हमारी दीदी स्मृति ईरानी लोगों से आके मिल रही हैं, संवाद कर रही हैं, एक स्नेह का रिश्ता कायम हो गया है। राहुल गांधी अभी तक कहाँ थे, 5 साल सांसद थे तो भी यहाँ पे नहीं आए, और नहीं रहे तो भी कभी झांकने आए कि अमेठी के लोग जी रहे हैं मर रहे हैं, कभी आए उन्होंने हाल चाल लिया, लेकिन हमारी दीदी स्मृति ईरानी अभी तो चुनाव है ही है, लेकिन कोई ऐसा मंथ नहीं गया है कि वो ना आई हो, जनता से मिलती रही, उनके सुख दुख में शामिल होती रही, तो अब की बार नो डाउट 400 पार हो जाएगा। क्या नाम है आपका? निमिषा त्रिपाठी। निमिषा जी, मुझे बताइए आपको क्या नजर आ रहे हैं मुद्दे अमेठी में? मुद्दे तो अब कुछ बचे ही नहीं है, महिलाएं तो खास करके यही चाहती है कि हम सुरक्षित रहें, हाँ। और हमारी जो सांसद हैं उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, और योगी जी ने भी ध्यान दिया है, मोदी जी ने भी, और सबसे बड़ी बात हम सभी जब महिलाएं सुरक्षित है तो फिर आगे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं, दीदी हम लोगों के सुख दुख में साथ रहती हैं, और क्या चाहिए, इससे अच्छी सांसद तो हमको कोई मिल ही नहीं सकता है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये तमाम सारी महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्मृति ईरानी लगातार लोगों के बीच में बनी भी रहती हैं, और जहां तक चुनावी मुद्दों की बातचीत है तो फिलहाल अमेठी में चूंकि अभी भी विपक्ष की तरफ से कोई साझा उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, हालांकि राहुल गांधी के यहां से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना जताई जा रही है, उसके संकेत भी मिलने लगे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद यहां की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और मंजुल के साथ अशोक तिवारी, अमेठी, News 24। तो अमेठी से आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे थे, एक तरफ आज स्मृति ईरानी, उन्होंने नामांकन भरा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हालांकि एक फाइनल उम्मीदवार की कोई घोषणा हुई नहीं है, लेकिन रंगाई पुताई वहां पर जरूर नजर आ रही है। जायजा लिया मेरे सहयोगी अशोक तिवारी, देखिए। अमेठी से स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन इस बीच में ये भी चर्चा है कि जल्द ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी अमेठी लोकसभा सीट से कर दिया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस बात का दावा भी किया जा रहा है। इस वक्त मैं अमेठी में जहां पर मौजूद हूं, दरअसल ये वो घर है जहां पर राहुल गांधी पहले भी रुकते रहे हैं, और इस बार भी वो यहीं पर रहने वाले हैं अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ने अमेठी आते हैं तो। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। तो राहुल गांधी के आने से पहले उनका ये जो घर है, कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा है हमेशा से ही कि जब भी वो अमेठी आते हैं तो वो यहां पर भी रुकते हैं, तो लिहाजा इस घर की भी आप देखिए कि रंगाई पुताई की गई है, जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं वो भी इस घर में फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा जो जिला कांग्रेस का कार्यालय है अमेठी में, कांग्रेस दफ्तर, ये भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखिए ये कांग्रेस दफ्तर है, यहां भी आप देख पा रहे होंगे कि यहां भी जो रंगाई पुताई का काम है वो लगभग पूरा कर लिया गया है। तो ये अपने आप में एक संकेत देती हुई तस्वीरें हैं कि जल्द ही यहां से राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। ये कांग्रेस दफ्तर से ठीक लगा हुआ घर है जहां पर राहुल गांधी पहले भी रुकते रहे हैं, ये वो लॉन है जहां पर आप तमाम सारी गाड़ियों को भी देख पा रहे होंगे, और कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस बात का दावा लगातार किया जाता रहा है कि चूंकि पहले जो चरण का चुनाव होना था, दूसरे चरण का जो चुनाव होना था, उसके बाद रणनीतिक तौर पर कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया था, और उसी रणनीति के तहत अभी तक अमेठी से भी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का के नाम का ऐलान अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और मंजुल के साथ अशोक तिवारी, अमेठी, News 24।
और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव के बीच ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। इंदौर